कल जो केमिस्ट्री का जो बचा हुआ था ना हम लोग का कुछ स्ट्रक्चर, दो तीन स्ट्रक्चर हमारा साथ बचा हुआ था, वो दो स्ट्रक्चर को देखते हैं फिर अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। और वो हमारा हम अभी जो स्ट्रक्चर बना रहे थे वो किसके अकॉर्डिंग्स में है? हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग्स में हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? ऑर्बिटल्स शेप के अकॉर्डिंग्स में हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला ध्यान से देखिएगा, ये भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ही है, हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। आज हम देखेंगे C2H4 के बारे में। कल आपने देखा था C2H6, आज क्या है? C2H4। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है, अब ध्यान से देखेंगे इसको। हमारे पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होती है? 1। इसका अगर कॉन्फिगरेशन आप कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है? 1s1। इसके लिए सिंगल बॉक्स बनती है। एस के एस में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है? 1। अगर हम यहां पे डालें तो हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलती है। अब ये एस है तो यहां पे हाइड्रोजन का आपको कैसा शेप मिलने वाला है? स्क्वायर शेप मिलेगा। ये किसका है? हाइड्रोजन का। एस ऑर्बिटल है ना, क्यों एस ऑर्बिटल है? क्योंकि इसका कॉन्फिगरेशन केवल एस तक ही गया है, समझ में आ गया। बाकी यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4। अगर बाकी तीन का भी बनाएंगे तो आपको इसी तरह से मिलने वाली है। चलिए आते हैं कार्बन में, कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होती है? 6। इसको कॉन्फिगरेट कर देते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 2। क्लियर हुआ? आपको अब यहां पे ये जानना होगा कि इस एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पी ऑर्बिटल के लिए हम 3 बॉक्स बनाएंगे। क्या समझ आ रही बात? लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपका इस पी में कितना? 2, तो ये 1 और ये भी क्या हो गया? 1। समझ में आ गया? अब यहां पे क्या समझेंगे कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, C2H4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? C2H4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 नहीं होता है, sp2 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। ये दिखा रहा है sp2 कि एक हमारा किसका? s का, और p का कितना? 2। तो s तो यहां पे फुलफिल है, आपको दिखाई दे रहा है, तो एस यहां पे कैसे ऑर्बिट बना सकता है? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, और ऑर्बिट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए? अनपेयर्ड होना चाहिए। क्या समझ पा रही है? तो ये ग्राउंड स्टेट से कहां पे चला जाएगी? एक्साइटेड स्टेट पे। देखिए एक्साइटेड स्टेट पे, अगर ये एक्साइटेड स्टेट पे गया तो क्या होगा? यहां का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर चलाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितनी मिलती है? 4 मिलती है। क्या कितना मिलती है? 4 मिलती है। लेकिन C2H4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, यानी कि तीन ही ऑर्बिट वहां पे भाग ले रहे हैं, जबकि हमारे पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट की संख्या कितना है? 4 है। लेकिन हम यहां से कितना को लेंगे? 3 ही लेंगे। क्यों 3 लेंगे? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारा? sp2 है। क्या समझ में आई बात? तो आप कहां से कहां लेने वाले हैं? एस का 1 और पी का 2 को लेने वाले हैं, यानी कि यहां से लेकर केवल इसको लेंगे, वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ गया? समझ पाई? तो इसका वायलेंस शेल ऑर्बिट, वायलेंस शेल ऑर्बिटल्स हम कितना को लेंगे? 3 को लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? लेकिन ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है, इसलिए इसको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 3 हमारे पास है इस तरह से, ये देखिए इसमें 1 भरा हुआ है, इसमें भी 1 भरा हुआ है। इसको हम यहां पे सिंगल बना देते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? 1 ही है। क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या घटनाएं घटेगी बोलो? ध्यान से देखना कि
हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4 है. कार्बन कितनी है? 2 है. अगर ये कार्बन को दो दो हाइड्रोजन ले लें तो दो कार्बन के लिए दो दो कार्बन हाइड्रोजन होगा. कार्बन हमारे पास में कितना है? दो. हाइड्रोजन की संख्या कितना? 4. अगर ये दोनों आपस में बंटवारा कर ले तो एक कार्बन के पास में कितनी हाइड्रोजन जाएगी? 2 हाइड्रोजन जाएगी. चलिए यहां पे हमने क्या भरा? एक हाइड्रोजन भरा. हाइड्रोजन है ये, है या नहीं है? अब ये भी क्या है हमारा? हाइड्रोजन है. लेकिन ये क्या रह गया हमारे पास? जल्दी बोलिए. उसमें कार्बन चलाएगा. इसमें क्या चलाएगा? कार्बन. अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका क्या मतलब? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगी. यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड. कार्बन में भी है तो सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या बॉन्ड चलाएगा? पाई बॉन्ड चलाएगा. क्लियर हो गया? अब दूसरे कार्बन के लिए भी आप बनाएंगे तो यही बनने वाला है. क्या समझ पा रहे हैं बात को? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़े रहेंगे. अभी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा. अब यहां पे समझिए कि हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2. तो sp2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइंगुलर होता है. होता है या नहीं होता है ट्राइंगुलर? चलिए, तो ट्राइंगुलर होता है. तो यहां पे हमारे पास हम इसको बनाते हैं. ये देखिए, ये हमारा ट्राइंगुलर है कि नहीं है? तो यहां पे दो ट्राइंगुल बनेगा. बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2 है, तो दो ट्राइंगुल बनेगा. यहां से और एक ट्राइंगुल बनाते हैं हम लोग इधर. चलिए, ये भी हमारा क्या है? एक ट्राइंगुलर है. इस तरह से दो ट्राइंगुलर हमको यहां पे दिखाई देता है. समझ में आ गया? चलिए, आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इसको बात करें तो ये हमारा क्या था? sp2. सब हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. लेकिन यहां पे ये वाला क्या बचा हुआ है? बचा हुआ है कि नहीं? ये किस कौन है हमारा? इसको अगर हम लिखे तो 2pz है. और ये क्या है? 2px 2py, जो x के साथ में है. क्लियर हुआ? चलिए, अगर हम इसको x मानते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको x, तो ये s और p का ऑर्बिट होगा. तो ये बनेगा कैसे? इस तरह से बना. क्लियर हुआ? समझ पा रही है? क्या डाउट है? अब यहां पे हमारे पास में और दो है. ये बन जाएगा किधर? ये वाला से बन जाएगा. और एक है, ये बन जाएगा इधर. क्लियर हो गया? लेकिन यहां पे आप देखिए, ये हमारा खाली है कौन? 2pz. समझ में आ गया? क्या खाली है? 2pz खाली है. तो 2pz खाली है, तो जेड मतलब पी ऑर्बिट को आप जानते हैं, पूरा होता है, डंबल शेप में होता है. तो यहां पे हम क्या बना दें? इसको जेड बना देंगे. ये क्या है? जेड. क्लियर हुआ? ध्यान से समझिएगा, ये क्या था हमारा? sp2. ये भी क्या था? sp2. ये भी क्या था? sp2. लेकिन ये वाला, ये दोनों क्या है? 2pz है, जो यहां पे आपको दिख रहा है. क्लियर हो गया? अगर इधर के लिए बना तो इधर के लिए भी वही बनने वाला है. बनेगा या नहीं बनेगा? चलिए, इधर भी बना के देखते हैं हम लोग. ये देखिए, ये बनेगा. अब इस कार्बन को भी अगर हम इस तरह से एक्साइटेड करेंगे तो हमको इसमें भी क्या मिलेगा? 2pz एक मिलेगा. तो इसके यहां भी तो हमको ये मिलना चाहिए. वो एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसी तरह से यहां पे ये क्या है हमारा? sp2. ये भी क्या है? sp2. और यहां ये क्या है? sp2. और ये वाला क्या है? 2pz. क्लियर हो गया बात? चलिए, अब यहां पे समझिएगा, हाइड्रोजन हमारा ओवरलैप किया है या नहीं किया है? तो कहां पे किया है? इसमें किया है और इसमें किया है. इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं ताकि स्ट्रक्चर हम आसानी से बना पाए. इसको हम यहां पे लिख देते हैं. ये sp2 है, ये भी क्या है? sp2 है. अब यहां पे हाइड्रोजन का शेप क्या होता है? s² होता है. s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? s² होता है. यहां पे क्या लग जाएगी? हाइड्रोजन. यहां पर भी क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन. क्या बात समझ में आ गया?
अब इधर दो हाइड्रोजन है तो उधर के लिए भी कितना दो हाइड्रोजन, इधर को ये sp को भी हम इधर लिख देते हैं थोड़ा सा ना sp2, ये वाला sp को भी हम यहां पे लिख देते हैं sp2, इसके लिए भी क्या हाइड्रोजन और इसके लिए भी क्या लग जाएगी हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा, अब एक चीज आप गौर कीजिए कि अभी 2pz और 2pz भी क्या है इसका खाली पड़ा हुआ है, तो ये इसके साथ में होगा या नहीं होगा, और ये वाला इसके साथ में, क्लियर। आप ध्यान से देखिएगा, ये यहां पे क्या बोन सिग्मा, यहां पे सिग्मा, यहां पे सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा बोन, यहां पर भी सिग्मा बोन, लेकिन ये दोनों क्या है हमारा पाई बोन है। क्या बात समझ में आई? तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बोन इक्वल टू, काउंट कीजिए, काउंट कीजिए इसको, कितना वन टू थ्री फोर फाइव हो गया, और नंबर ऑफ पाई बोन इक्वल टू वन, केवल ये ही पाई बोन है। पाई बोन मतलब क्या होता है, जो साइडोन में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, पाई बोन कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात, क्लियर हुआ? इसका एंगल क्या होता है, इसका जो एंगल होता है ये एंगल कितना होता है 120 डिग्री, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या स्ट्रक्चर होता है, ट्राइ एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। चलिए आ गया होगा समझ में, जैसे कल हम दो लाइन लिखे थे आप क्या लिख पाएंगे, कल हम लोग दो लाइन लिखे थे ना इसके बारे में, क्या आप लिख पाएंगे यहां पे? या आप बाद में लिख लेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको लगता है कि आप लिख पाएंगे। क्लियर हो गया, डाउट है किसी पे इसको? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या होता है, क्या बताता है आगे। दूसरा एग्जांपल, ये सब आपका एनसीईआरटी बुक में पढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? चलिए ये है हमारा C2H2। बड़ी आसान है ये भी, यहां पे हाइड्रोजन उसी तरह से करेंगे 1s1, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारा, स्फीयर शेप में होगी हाइड्रोजन का, होगा या नहीं होगा? ये 1s1 है, कार्बन का आपने देखा था, देखे थे या नहीं देखे थे? कार्बन का क्या होता है 6 1s 2 2s 2 2p 2, इसको भी आप क्या कर देंगे, जल्दी बोलिए क्या कर देंगे, इस तरह से भरेंगे ना, आपको इस तरह से मिलेगा। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन C2H2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, आपको केवल sp आता है, मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, लेकिन उसी तरह से यहां भी s ऑर्बिटल में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये शेयरिंग नहीं कर सकता है, तो s हाइब्रिडाइजेशन कहां से आया, s कहां से आया, तो इसको हम ग्राउंड स्टेट से कहां पे लेके लाएंगे, एक्साइटेड स्टेट पे, एक्साइटेड स्टेट पे लेके लाएंगे, तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन इस पे जंप करेगा, इस तरह से, क्या समझ में आया, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप किया। अब यहां पे sp है, मतलब s का एक और p का एक, एक, तो कितना दूर हमारा यहां पे हाइब्रिडाइज हुआ, इतना दूर हुआ s का एक और p का एक, क्या बात समझ में आया या नहीं समझ पाई, आया। तो इसकी वायलेंस शेल ऑर्बिटल्स को देखिए, तो इसका वायलेंस शेल ऑर्बिटल्स क्या आपको समझ में आ रहा है, यहां पे कितना है, केवल दो है और दो खाली पड़ा है या नहीं है? है, दो खाली पड़ा हुआ है,
ये दो जो खाली पड़ा हुआ है उसमें सिंगल सिंगल है, ये कौन सा है बोलिए, ये पी वाई है और ये पी जेड है कि नहीं है, और ये दोनों को हाइब्रिडाइज किया हुआ है। एक एस है और एक क्या है पी है, क्लियर हो गया। अब यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो, और कार्बन की संख्या दो, तो अगर ये हाइड्रोजन की को क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो एक कार्बन के लिए एक ही हाइड्रोजन आएगा, मतलब यहां पे जो ओवरलैप होगा इस तरह से वो क्या होगा हाइड्रोजन, और यहां पे जो होगा, यहां पे जो होगा वो क्या होगा कार्बन, यही तो होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, तब इसमें किस प्रकार की बॉन्ड आने वाली है जल्दी बोलिए, इसमें सिग्मा बॉन्ड आएगी, इसमें कैसा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसमें भी कैसा बॉन्ड आने वाला है पाई बॉन्ड, क्लियर हो गया। अब यहां पे एसपी है तो एसपी का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, लिनियर स्ट्रक्चर होती है, नहीं होता है क्या, होता है लिनियर स्ट्रक्चर, क्लियर हुआ, तो लिनियर स्ट्रक्चर होता है, तो लिनियर स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ये देखिए यहां पे लिनियर स्ट्रक्चर के लिए हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनेगा, और इधर के लिए क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, ये हमारा क्या है लिनियर स्ट्रक्चर, क्लियर हुई बात। अब एक के लिए हमारा लिनियर स्ट्रक्चर बना, तो और एक तो है हमारे पास, है या नहीं है, है, तो उसके लिए भी लिनियर स्ट्रक्चर बनाइए, चलिए यहीं से बना दीजिए, यहां से हम लिनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये, और इधर से ये लिनियर स्ट्रक्चर बना, क्लियर हो गया। गौर कीजिएगा यहां पे, यहां पे आपका पी वाई और पी जेड खाली है या नहीं है? है, मतलब दो खाली है, इसका ये मतलब हुआ कि आपका ये वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग, वाई कहा जाता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, और ये वाला को क्या कहते हैं हम लोग, जेड कहते हैं, समझ पाई, उसी तरह से यहां भी होगा, ये वाला क्या होगा वाई, और ये वाला क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। अब ये कैसा ऑर्बिट है, पी ऑर्बिट है, तो पी का शेप क्या होती है, डंबल शेप होती है, डंबल शेप बना दीजिए, ये इसका डंबल शेप हो गया, ये जेड का डंबल शेप हो गया, उसी तरह से यहां भी बनेगा, ये वाई का था और ये वाला जेड का हो गया, क्लियर हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है एसपी था, और ये भी क्या है आपका एसपी है, यही तो आपने सीखा, हाइड्रोजन यहां पे कितनी है टू, तो एक इसके लिए और एक इसके लिए, ये कार्बन है ना, ये क्या है कार्बन एटम है, ये भी क्या है कार्बन एटम, तो इस कार्बन एटम में एक हाइड्रोजन हमारा यहां पे ओवरलैप करेगा, और एक कार्बन एटम इस सॉरी एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ में क्या करेगा ओवरलैप करेगा, समझ में आया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा यहां कि यहां पे हम अगर बात करें तो यहां पे कैसा बॉन्ड आपको मिलेगा, कौन सा है यहां पे सिग्मा, सिग्मा है या नहीं है, यहां पे देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड, यहां पे क्या है सिग्मा बॉन्ड। अब ध्यान से गौर कीजिए इसको, ये देख रहे हैं आप, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, और ये वाला इसके साथ में जुड़ेगा, आगे वाला के साथ में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। इसके साथ उसी तरह से ये वाला ये जो है इसके साथ में, क्लियर, और ये वाला इसके साथ में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, मतलब ये कैसा बॉन्ड बनाया पाई बॉन्ड, ये भी क्या बना पाई बॉन्ड बना, क्लियर हुई बात। तो यहां पे नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू गिनिए 1 2 3 3 हमारा क्या आया सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू 2 है। इस तरह से ये संरचना तैयार होती है हमारा किसका C2H2 का। समझ पाई कैसे बनाइए। ये वाला हमारा क्या था PY था और ये वाला क्या था PJ। उसी तरह से ये वाला क्या था PY, ये वाला क्या था PZ, है ना। आया समझ में? पूछना है? अब लिख सकते हैं दो लाइन। हो गया सबका? अब यहीं पे हमारा शायद स्ट्रक्चर क्या होती है और ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग्स में सेफ ऑफ ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग में स्ट्रक्चर क्या होती है खत्म होती है। अब इसकी एंगल की बात करें तो एंगल तो आपको पता होगा 180 डिग्री, लिख ही देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? लिनियर स्ट्रक्चर होता है, लिनियर स्ट्रक्चर। हो गया। अगर NH3 का बोले तो बना पाएंगे? NH3 का बोला तो बना पाएंगे, H2O का बोला तो बना पाएंगे। ध्यान रखना कि NH3 और H2O का एंगल हमारा अलग अलग होता है। समझ पा रही है? NH3 में एंगल क्या जाता है 107 डिग्री, जबकि H2O में क्या जाता है 104.5 डिग्री। क्लियर हो गया ना? हम लोग अब वीडियो देखे होंगे तो शायद समझ में आया होगा। चलिए पोलार एंड नॉन पोलार कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी डाइपोल मोमेंट। समझ में आया? क्या चीज देखने के लिए मिलेगी? डाइपोल मोमेंट, यानी कि द्विघुण, क्या बोलेंगे इसको, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट को कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसको पोलर कहते हैं और किसको नॉन पोलर कहते हैं। समझेगी पॉइंट को, किसको पोलर कहते हैं और किसको नॉन पोलर कहते हैं। चलिए पहले तुम लिख लेते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसको समझिएगा, पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया? आपने पीरियडिक टेबल के बारे में जाना होगा। केमिस्ट्री का मेन जड़ क्या है? आपका पीरियडिक टेबल है। अगर पीरियडिक टेबल को आपने भली भांति से समझ चुका है तो कोई भी केमिस्ट्री आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा आपको हम क्विक रिवीजन करा देते हैं। पीरियडिक टेबल का कुछ फॉर्मेट हमारे पास में इस तरह से होती है, इसी तरह से तो होती है। ये हमारा एस ब्लॉक होता है, इधर का पी ब्लॉक होता है ना, और ये वाला क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। क्लियर हो गया? आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझिएगा, किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अगर आप पीरियडिक टेबल में इधर से इस ओर मूव करते हैं, किधर से, इस डायरेक्शन पे मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। जबकि आप
पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे को आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटते जाती है। समझ में आया बात? तो यहां पे इसको हम सिंबल से यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हम पीरियोडिक टेबल में इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर जाएंगे, यानी कि इधर से इस ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये साइंस आपको पता चल रहा होगा, है ना। जबकि आप पीरियोडिक टेबल में किधर आएंगे, डाउन की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पे समझा देते हैं कि किसी ऐसा कंपाउंड जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, मेरा बात ध्यान से सुनेगी। एक ऐसा कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब समझ में आता होगा, जिसमें हमारा दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिले हुए हो, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहा जाता है। तो उसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, उस ओर इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है वो पार्शियली उस ओर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। इसलिए उस एलिमेंट पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरा जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसमें क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब यहां पे आपको समझाते हैं हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। क्लियर हो गया? सपोज दैट आपके पास में दो एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, वो एलिमेंट आपके पास में है ए और मान के चलिए बी, ये दोनों क्या है, एलिमेंट है। क्लियर हो गया? अगर यहां पे बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, क्या मेरा बात समझ पा रहा है? हम बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा होता है, क्यों कम होता है, लेकिन अभी जनरल फॉर्म में आप समझ लीजिए। हमारे पास में दो एलिमेंट है, अगर एस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, मतलब ए से ज्यादा किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। क्या समझ में आ गया? ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ये ए का इलेक्ट्रॉन्स और इधर क्या है, बी का इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेगी, बॉन्ड बनाएगी, बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी अपेक्षा में, ए की अपेक्षा में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बी की ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, पार्शियली आंशिक रूप से किधर शिफ्ट हो जाएगा, बी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इसको आप शो करते हैं ए पार्शियली शिफ्ट टू बी। क्या बात समझ में आया? क्लियर हुई बात यहां पे? अब ये दोनों का अगर हम बॉन्ड बनाकर दिखा दें, ध्यान से देखिएगा, ये ए है और यहां पे क्या है, बी है, इस तरह से ये दोनों क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा किसकी ओर चला जाएगा, बी की ओर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, बी की ओर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स ए का है और बी का भी है, लेकिन ए का इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली किधर चला गया, बी की ओर चला गया, अगर नहीं जाता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहता, लेकिन किधर चला गया, बी की ओर। तो बी की ओर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हुई कि नहीं हुई, कुछ मात्रा में तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या हुआ, बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, कुछ मात्रा में कम हो गया। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम होती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ती है वहां पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या बात समझ में आई भाई? तो इस तरह से ये क्या हो गया, ए आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, प्लस, ये डेल्टा का साइन है, चेंज को दिखाता है, किसको दिखाता है, चेंजेस को दिखाता है। आंशिक रूप से ए में क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, जबकि आंशिक रूप से बी में क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या बात समझ में आई बात? और इसी तरह का जो आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आंशिक रूप से क्या हो, प्लस चार्ज हो, और आंशिक रूप से क्या हो, माइनस चार्ज हो, वो कंपाउंड क्या कहलाती है, पोलर कंपाउंड कहलाती है। क्या बात समझ में आया?
तो ये कैसा कंपाउंड बन गया हमारा, पोलार कंपाउंड बन गया, पोलार कंपाउंड है ये। डाउट है कहीं पे है? नहीं। अब लिखने से पहले और थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद ही लिखिएगा। अगर हमारे पास में दो सिमिलर एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई हो, क्या मेरा बात समझ पाया? दो सिमिलर एलिमेंट किससे? कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई हो। कहने का मतलब मेरे पास ये हुआ कि इधर क्या है, ए, तो ये इधर का भी क्या होगा, ए, सिमिलर कंपाउंड है। अगर इधर क्या है, बी, तो इधर भी क्या है, बी। अगर इस तरह से जुड़ा हुआ आपको कोई कंपाउंड नजर आए या मॉलिक्यूल्स नजर आए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलार कहेंगे, इसमें कोई भी पोलारिटी नहीं होगी। क्या बात समझ में आया? चलिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी ध्यान में रखेंगे। अभी बहुत सारे, ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारा चीज आएगा जिसमें हमारा कुछ एक्सेप्शन भी आएगी, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली भी चीज आएंगे। समझ में आ गई बात? आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको भी हम यहां पे बता दें कि कुछ आपको कंपाउंड दिए जाएंगे, क्लियर हुआ, और बोलेंगे, उसमें बोला जाएगा कि इसका डाइपोल मोमेंट कैसे, ये पोलार है या नॉन पोलार है, ये भी बोला जाएगा आपको, हम बताते हैं आपको। चलिए आप बताइएगा, यहां पे हम थोड़ा सा एग्जांपल उठाते हैं। चलिए एग्जांपल, हाइड्रोजन सिंगल बोन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, क्लोरीन सिंगल बोन क्या है, क्लोरीन। आप एक उठाते हैं आपको हाइड्रोजन सिंगल बोन क्लोरीन, बताइए ये हमारा पोलार है या नॉन पोलार है? नॉन पोलार है। ये क्या है? नॉन पोलार है। ये कैसा है? नॉन पोलार है। नॉन पोलार। ये कैसा है? पोलार है। ये पोलार है, इसका मतलब क्या समझे आप, कि हाइड्रोजन में आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन में आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है, तभी तो ये क्या बना, पोलार बना। क्या समझ में आया? क्लियर हो रही है? अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप ग्रुप 17 एलिमेंट्स को उठा देंगे। किसको उठाए? ग्रुप 17 एलिमेंट्स को। आपने देखा होगा फिर कल बाहर आएगी ऑटो, ऑटो को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नेचर में रेडियो एक्टिव है। क्लियर हो गया? अब इस केस में ध्यान दीजिए कि ये कैसा है हमारा, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से जब आप नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है या बढ़ता है? घटता है। तो यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? क्लोरीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? क्लोरीन का। इससे कम किसका होगा? क्लोरीन का। इससे कम ब्रोमीन का, और सबसे कम किसका हो जाएगा? आयोडीन का। क्या बात समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, क्या आप इसको HF लिख सकते हैं? यहां पे HCl लिख सकते हैं, यहां पे HBr लिख सकते हैं, और यहां पे HI लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अब यहां पे बताइए कि यह हमारा कंपाउंड बन गया, बना या नहीं बना? बना। तो सबसे ज्यादा यहां पे पोलारिटी कंपाउंड कौन है? सबसे ज्यादा पोलार कंपाउंड यहां पे कौन है? एच एफ। क्यों? क्योंकि यहां पे एच एच तो सब में जुड़ा हुआ है, उसको देखना नहीं है, लेकिन अगर हम बाकी को देखें तो यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? एफ। और एफ इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है, और जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है उसमें ज्यादा पोलारिटी होती है।
क्या बात समझ में आ गया? इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे कि इसका पोलैरिटी के आधार पे इसको बढ़ते ऑर्डर पे सजाइए या घटते ऑर्डर पे सजाइए। समझ में आ गया? तो यहां पे सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसका? HF का, फिर उससे कम HCl का, फिर HBr का, फिर HI का। समझ में आया होगी बात? क्लियर हो रही है? क्लियर डाउट है? है ना? मिटा दें इसको? Yes, sir. क्योंकि जगह नहीं है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, शायद आपको पोलर और नॉन पोलर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। किसके बारे में? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, पोलर और नॉन पोलर आपको पहचान में आया? आया तो ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या पूछेगा। यह भी क्वेश्चन उठता है कि कोई कंपाउंड दे देगा और बोलेगा क्या कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या है। क्लियर हुआ? इसका डाइपोल मोमेंट क्या है ये पूछेगा। तो समझिएगा, यहां पे एकदम हम सीधी भाषा में समझा देते हैं डाइपोल मोमेंट को। जो नॉन पोलर कंपाउंड होता है, क्या नॉन पोलर कंपाउंड होता है उसका जो डाइपोल मोमेंट, किसका? नॉन पोलर कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट म्यू कितना होता है? जीरो होता है। हमेशा याद रखना। क्लियर हुई? नॉन पोलर कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। जबकि पोलर का, किसका? पोलर का, पोलर कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो नहीं होता है। अब सबका वैल्यू याद करना पॉसिबल नहीं है, तो अब आपको वहां पे वैल्यू के साथ में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यहां पे यही भी आपको आंसर लिखना है। समझ में आ गया? उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है ये पूछा जाएगा। कितना है कभी भी पूछा नहीं जाएगा। इवेंटली आपको हम यहाँ पे फॉर्मूला बताने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। क्या समझ पा रही है मेरा बात? एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं यहाँ पे। क्या एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं? जैसे कि ये क्या है हमारे पास? HCl। तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसा कंपाउंड है हमारा? पोलर कंपाउंड है। अगर पोलर कंपाउंड है तो इसमें हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। क्या जीरो होगी? नहीं होगी। तो म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो म्यू कितना होगा यहां पे इसका? तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसका वैल्यू होता है 1.07। क्या होता है? 1.07 डीबे कहते हैं। क्या कहते हैं? डीबे। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है? डीबे। डिब्बा, डिब्बा याद करना, डिब्बा। क्लियर? इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। किससे? कैपिटल डी से। ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, यानी कि ये पोलार है मतलब जीरो के बराबर नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू है इसका? 1.07। और ये वैल्यू आपको क्या करना होगा? याद करना होगा, या आप निकाल भी सकते हैं। आपको हम बताने वाले हैं यहां। क्लियर हो गया? ये डीबे क्या है? यूनिट है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट को यहां पे क्या कहा गया? डीबे कहा गया। क्लियर? चलिए, समझ पा रही है? डिब्बा याद करना, डिब्बा याद हो जाएगा, डिब्बे हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए, ये क्या है हमारा? HF। क्या इसमें डाइपोल मोमेंट है? है इसमें डाइपोल मोमेंट? है या नहीं है?
पहले तो आप ये बताइए ये पोलार है या नॉन पोलार है? पोलार है। अगर ये पोलार है तो इसका वैल्यू क्या होगा? म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। कितना होगा वो हमको यहाँ पे मायने नहीं रखता है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट होगा। क्या समझ में आ गया? चलिए और बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है सी एल एफ, क्या इसका डायपोल मोमेंट होगा? जल्दी बताइए क्या समझे आप? नहीं आया समझ में? फालतू ढेला फेंकने से कोई फायदा नहीं है। नहीं समझे हैं तो नहीं समझे हैं, समझे हैं तो सीधे समझे। होगा होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों ग्रुप 17 ग्रुप का एलिमेंट है या नहीं है? क्लियर करते हैं इसको हम। चलिए, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था। जब हम ऊपर से नीचे को आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है? क्लोरीन के पास। क्लोरीन फ्लोरीन के पास में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और जिसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है। खींचता है या नहीं खींचता है? इसका ये मतलब हुआ कि ये फ्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। करेगा या नहीं करेगा? तो इस तरह से फ्लोरीन में आंशिक रूप से माइनस चार्ज आ जाएगी और इसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज आएगी। अब बताइए पोलर है। आपने लिखा था कि अगर एफ सिंगल बॉन्ड एफ है तब वो हमारा नॉन पोलर होगा। सेम एलिमेंट अगर वो वैलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई हो तब वो हमारा क्या होगा? नॉन पोलर होगा। क्या यहाँ पे सेम एलिमेंट है? नहीं। तो ये हमारा क्या हुआ? नॉन पोलर। मैं सॉरी, क्या है? पोलर है। अगर ये पोलर है तो इसका डायपोल मोमेंट है तो म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ भी तो है इसका वैल्यू। समझ में आ गया? तो डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे किए हैं? म्यू से। म्यू से किया है या नहीं किया है? तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज इनटू क्या होता है? म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर। मतलब कि उसका आर का दूरी कितना होगा? हो गया? यहां पे सीधे लिख दीजिए ना डिस्टेंस ऑफ आर, डिस्टेंस ऑफ आर कि ये आर कितना कितना दूर पे है। आर का मतलब रेडियस। अगर ये सीएल है और क्या है एफ, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? रेडियस होगा। तो वो कितना दूरी में है और दोनों में कितना चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगी? डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। ये मैथमेटिकल रिलेशन है लेकिन इसका आपको जरूरत शायद नहीं पड़ने वाली है। क्लियर हो गया? yes. यहां पे थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं कि वन डीवे आपने पढ़े ना यहां पे, वन डीवे यानी कि वन डी, इसका भी कुछ वैल्यू होता है। जैसे कि हमारे पास में एक दर्जन हम बोलते हैं तो 12 पीस, एक कोरी बोले तो 20 पीस, उसी तरह से वन डीवे बोले तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या आएगा, हमारा वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू क्या होता है? 3 बोलिए 3.33 और 5.64 5.64 इंटू 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर होगा ना? क्या होगा? कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज है ना, चार्ज के लिए कूलम और डिस्टेंस के लिए मीटर, कूलम मीटर। ये वन डीवे का वैल्यू है। क्लियर हो गया? चलिए, ये अब जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे ट्विस्ट होते जाएगी, याद रखना। समझ में आ रही बात? जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे ये क्या होते जाएगा? ट्विस्ट होते जाएगा। ये तो हमारा रहा
सेम दो एलिमेंट आपस में क्या हुए हो, जुड़े हुए हैं, उसको हमको पहचानने का तरीका। क्या बात समझ में आ गया? अगर आपके पास में मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, क्या मेरा बात समझ में आया? आपके पास में मल्टी मतलब दो से अधिक, तीन चार वाला कोई एलिमेंट का कंपाउंड हो, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि वो पोलर है या नॉन पोलर है? समझ में आ गया? तो यहां पे टॉपिक देंगे पोलराइजेशन, दे दीजिए टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ मल्टी, क्या लिखेंगे? मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत, मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। चलिए एकदम इसको आराम से समझिएगा, क्लियर हो गया? एकदम इसको एकदम गहराई में समझिएगा। जैसे कि हमने यहां पे एक एग्जांपल उठा रहे हैं, ध्यान से देखिए, हमने यहां पे एक एग्जांपल उठाया, इसका ये एग्जांपल है BeCl2। ध्यान से देखिए, क्या ये BeCl2? क्लियर हुआ? अगर ये BeCl2 है तो Be बीच में होगा, इधर हमारा क्या होगा Cl, इधर भी क्या होगा Cl होगा। क्लियर हो गया? अब यहां पे बात करें तो उधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज करता है, मतलब क्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किससे? Be से। तो ये वाला का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा? चलिए मान लिया कि अपनी ओर अट्रैक्ट किया। क्लियर हुआ? तो इसमें पार्शियली क्या चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। और इसमें पार्शियली क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन इधर भी तो क्या है हमारा? क्लोरीन है या नहीं है? तो ये भी क्या करेगा? यहाँ का चार्ज को पार्शियली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो चलिए इधर से ये अटैक किया तो इसमें पार्शियली क्या चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। और इसमें और एक प्लस चार्ज आ गया। यही तो आपने सीखा है इसका, समझ में आ गया? चलिए आप बताइए ये हमारा पोलर है या नॉन पोलर है? बताइए जल्दी, ये पोलर है या नॉन पोलर है? तो यहां पे म्यू इक्वल टू जीरो होगा या म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा? म्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये पोलर है, आपके कहने का मतलब। चलिए आपको हम बताते हैं, हम बीच में खड़ा है, क्लियर हुई बात? हम हाथ ऐसा किए, एक आदमी मेरा हाथ को उधर खींच रहा है, एक आदमी मेरा हाथ को इधर खींच रहा है, हम किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? तो मेरा ध्रुवन कैसे हुआ? कैसे? फोर्स तो दोनों इक्वल है, इधर भी सीएल है, इधर भी सीएल है, हम किधर जाएंगे बताइए हमको, हम किधर जाएंगे? उधर, इधर। तो कैसे इसका ये ध्रुवन हुआ? तो इसका पोलराइजेशन कैसे हुआ? होगा क्या पोलराइजेशन? ये जितनी इधर खींच रहा है उतना ये भी तो खींच रहा है, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? तो यहां पे ये म्यू क्या होगा हमारा, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा इस केस में? बताइए, म्यू इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात? याद रखना, क्या होगा? म्यू इक्वल टू जीरो मतलब ये क्या कैसा है? नॉन पोलर है, इसका ध्रुवन पॉसिबल नहीं है। अगर यहां से एक सीएल नहीं रहता तो ये पोलर रहता, लेकिन दोनों ओर सीएल लगा हुआ है तो आप किधर जाएंगे? जाएंगे किधर? अब जैसे वैसे रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। और नॉन पोलर है मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। आ रहा है समझ में? दूसरा एग्जांपल देखिएगा, ये पहला हम इसको उठाते हैं, दूसरा देखिए, आपको हम लिख देते हैं BF3। क्या समझ में आया? BF3, ध्यान से देखिए, इधर ये इधर F लगा हुआ है, इधर भी क्या F, इधर भी क्या लगा हुआ है F। अब बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? F है, मतलब ये पार्शियली इधर जाएगा तो ये पार्शियली नेगेटिव होगा, लेकिन ये भी तो अपनी ओर खींचेगा, बोलिए, तो पार्शियली नेगेटिव, ये भी अपनी ओर खींचेगा या नहीं खींचेगा? तो ये पार्शियली नेगेटिव, तो यहां पे पार्शियली तीन बार पॉजिटिव चार्ज आएगा,
आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो बताइए ये पोलार है या नॉन पोलार? जल्दी बोलिए, पोलार है कि नॉन पोलार है? क्या है ये, पोलार है कि नॉन पोलार है? नहीं पता, यहां पे लिख दो म्यू इज इक्वल टू जीरो का मतलब नॉन पोलार है। किधर जाएगा ये? कहीं नहीं जाएगा, बीच में ही रहेगा टंगाया हुआ। अगर कहीं नहीं जाएगा तो क्या इसका ध्रुवण होगा? ध्रुवण नहीं होगा तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो होगी। नहीं समझ में आती है बात? अब यहां पे ट्रिक समझ लीजिए कि ऐसा मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें लोन पेयर नहीं हो, क्या जिसमें लोन पेयर ना हो तो सीधे वो क्या होगा? नॉन पोलार होगा। अगर उसमें लोन पेयर है तो वो क्या होगा? पोलार होगा। हमेशा याद रखिए, क्या मेरे पास समझ में आ गया? अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? पोलार होगा। आनंदिता, क्या होगा? पोलार। अगर उसमें कोई भी किसी प्रकार का लोन पेयर उपस्थित ना हो तो वो क्या होगा? नॉन पोलार होगा। समझ में आई मेरे बात? चलिए अब आइए दूसरा, ये तीसरा नंबर पे जल्दी जल्दी, ये आपको दिखाई देता है क्या लिखा हुआ है? CH4 कैसा अब्रेविएशन इसमें? SP3। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पे क्या लगा हुआ है? कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। समझ में आई बात? क्या इसमें लोन पेयर है कहीं पे? है या नहीं है? नहीं है तो ये पोलार है या नॉन पोलार है? नॉन पोलार। अगर नॉन पोलार है तो म्यू इक्वल टू जीरो। समझ में आया? नहीं समझ पाई? क्लियर? चौथा नंबर पे आइए, फोर नंबर, NH3। बोलिए NH3 नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल 1 2 3 4 5। कैसा स्ट्रक्चर है इसमें? sp3 है। उसका क्या मतलब? ये मुर्गी का टांग यहां पर भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पे क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आपके पास में कितना? 3। यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा, यहां पे तो हमारा दो लोन पेयर बाकी है। अब बताओ ये पोलार कि नॉन पोलार? पोलार। पोलार है तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आप एग्जाम में लिख पाएंगे? समझ में आया? चलिए पांचवा नंबर इधर देखिए, 5 नंबर, H2O कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 होता है या नहीं होता है? मतलब ये भी हमारा वही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या समझे? यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगी, तो यहाँ पे दो लोन पेयर, यहाँ भी दो लोन पेयर। यही तो आपने सीखा है। अब बताइए ये हमारा पोलार है कि नॉन पोलार है? पोलार है मतलब इसका डायपोल मोमेंट होगी। तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। आपको सिर्फ एग्जाम में यही पूछा जाएगा। समझ पा रही है? चलिए जल्दी, ये 6 नंबर का क्वेश्चन, PCl5 15 285 फास्फोरस 15 15 285 लेविस डॉट सिंबल में आइए, 1 2 3 4 5 है कि नहीं है? यहाँ पे सीएल कितना? 5। पांचों में सीएल जुड़ा इस तरह से, बोलिए जुड़ेगा? क्या इसमें कोई लोन पेयर है? तो लोन पेयर नहीं है, ये पोलार है कि नॉन पोलार है? नॉन पोलार है मतलब म्यू इक्वल टू जीरो। इस केस में ये म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे हम 7 नंबर क्या लिख देते हैं? PCl3। बोलिए जल्दी, PCl3 मतलब इस तरह से होगा, यहाँ पे Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl। क्या यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है? ये पोलार है कि नॉन पोलार है? पोलार है। पोलार है तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो इसका डायपोल मोमेंट होगा।
क्लियर? थोड़ा इतना जल्दी बात कर रही है। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्लियर हो गया? डाउट है? नो सर। तो क्वेश्चन डालिए, SO2 हैव डाइपोल मोमेंट। ये क्या बोल रहा है कि SO2 के पास में डाइपोल मोमेंट है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि SO2 के पास में क्या है, डाइपोल मोमेंट है। सो दैट, अब दिखाने बोल रहा है, सो दैट इट इज लीनियर स्ट्रक्चर और बेंड स्ट्रक्चर। क्या समझ में आया? ये क्वेश्चन समझेंगे एक बार। ये क्या क्वेश्चन बोला कि SO2 के पास में डाइपोल मोमेंट है, तो आप दिखाइए कि ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा या बेंड स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए बताइए, ये बोल रहा है कि यहां पे S है तो इधर O जुड़ा हुआ है और इधर O जुड़ा हुआ है, ये बोल रहा है। और दूसरा बोल रहा है कि इधर O है और इधर O है, बताइए जल्दी, तो कौन वाला सही होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से, SO2 है डाइपोल मोमेंट, SO2 के पास में डाइपोल मोमेंट है, तो आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर लिनियर स्ट्रक्चर होगा या बेंड स्ट्रक्चर होगा। जल्दी बोलिए, बेंड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। आपने पढ़ा था क्या? यस सर। इसका अगर इसका बात करें तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो होता है, आपने देखा था लीनियर का। तो बेंड हमारा जो है वो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब इसके पास में डाइपोल मोमेंट है। क्लियर हो गया? चलिए आपको दिखा भी देते हैं थोड़ा सा, क्यों है हमारा यहाँ पे लोन पेयर रहेगा, ये डबल बॉन्ड से इधर और इधर डबल बॉन्ड से ओ, यही स्ट्रक्चर तो है ये। इसमें क्या है हमारा, लिनियर कैसे बनेगा ये, समझ पाई होगी बात? चलिए क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर सही होता है हमारा, बेंड स्ट्रक्चर सही होता है। अब बड़ी गहराई से चलेंगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी, समझ में आ गया? चलिए हमको लगता है कि आप शायद समझ पाए होंगे आज की क्लास हमारा, पोलार एंड नॉन पोलार ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर में डिपेंड करता है, किसको पोलार कहते हैं और किसको नॉन पोलार कहते हैं ये भी जाने। आपने डायपोल मोमेंट के बारे में भी सीखा होगा घर में जाके, अब क्या करेंगे, इसको रिविजन करेंगे। आप ही के लिए वीडियो अपलोड होगा, नहीं समझ में आता है आप वीडियो को एक बार में 50 बार रिवाइंड करके देखें, समझ में आ गई? और इससे भी अगर पहले का चाहिए तो उसको, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो केवल आप लोग के लिए बनती है, समझ में आ रही है बात? yes, लेकिन समझवाना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए yes,